तो याद करें और उनके कृपा छाया में, उनके मार्गदर्शन में प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली सफलता कई गुना बढ़ जाए। दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरा रूम या स्टूडियो का सेटअप नहीं देखा है, चलिए मैं आपको बता दूं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूं, क्योंकि आज एक स्पेशल ओकेजन है दोस्तों। एक मीटिंग में जाना है, यूथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, लोकसभा का चुनाव चतरा डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, उसी को लेकर जो चुनाव में उठने वाले हैं उन्होंने एक मीटिंग रखा है और हम सभी यूथ को बुलाया है। तो अभी मैं जस्ट रेडी वगैरह हो चुका हूँ, नाश्ता जाकर नीचे करूंगा और उसके बाद हम निकलेंगे यूथ कॉन्फ्रेंस में। 12 बजे से मीटिंग है, थोड़ा बहुत लेट भी होगा तो आई थिंक 12:30 बजे निकलेंगे। और अभी जस्ट मैं जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, उसके बाद जाएंगे मीटिंग में। आप ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा क्या मीटिंग में होने वाला है, क्या क्या टॉपिक पे बात होगा और कैसे चुनाव के बारे में बात होगा, वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अभी जस्ट दोस्तों मैं नीचे आया तो देखा मम्मी नाश्ता कर रही थी और मेरा भाई भी नाश्ता कर रहा था और भाभी ने मेरा नाश्ता निकाल कर रेडी कर चुका है। तो अभी दोस्तों नाश्ता वास्ता कंप्लीट करने के बाद मैं अपने स्टूडियो में आया हूँ, क्योंकि आज का जो शेड्यूल है आई थिंक आपको पता होगा कि मेरे पास दो दो चैनल भी हैं और वहाँ पे मैं रेगुलर 6 बजे अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो का थंबनेल बनाना है, कुछ एडिटिंग वगैरह का काम है और वीडियो को अपलोड भी करना है। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में आ चुका हूं जहां पर मैं बैठ के काम करता हूं। तो अभी फिलहाल जब तक टाइम है वो काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे मीटिंग में। और दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरा रूम या स्टूडियो का सेटअप नहीं देखा है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहां पे दोस्तों आप आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे रूम में, आपको एंट्री में ये आपको सबसे पहले बेड देखने को मिलता है जहां पर मैं सोता हूं या फिर बैठ बैठ के वीडियो एडिट वगैरह करता हूं। और इस साइड दोस्तों आप देखेंगे तो मेरा एक टेबल है जहां पर मैं बैठ के लैपटॉप वगैरह भी रखता हूं और पीछे एक चेयर है जिसके थ्रू दोस्तों मैं बैठ के वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। पीछे आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन देखने को मिलता है, अभी इसी से काम चला रहे हम लोग। और यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉपी वगैरह रखे हैं जिसपे टॉपिक वगैरह लिखते हैं और एक पढ़ने वाला एक कॉपी जिसपे मैं अपना जो भी स्टडी करता हूँ उससे रिलेटेड है। यहाँ पे लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, एक बोतल हमेशा अपने पास रखता हूँ जिसमें मैं पानी वानी पीने वाला जो भी काम होता है वो करता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अभी तक का, जो ये मेरा कैमरा है कैनन 200D मार्क टू का ये कैमरा है जिसको मैं ट्राइपॉड के साथ यहाँ पे माउंट किया हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद इधर में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे डिजिटेक का रिंग लाइट एक मैंने परचेज किया था, आई थिंक 5,000 का ये मेरे को पड़ा था उस टाइम पे। और इधर में आप एक सॉफ्ट बॉक्स देख सकते हो जिसके थ्रू वीडियो में बहुत अच्छा लाइट आता है, ये भी डिजिटेक का है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे गैजेट्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये ब्लॉगिंग के पर्पस से मैंने इसको ख़रीदा था, आई थिंक बहुत टाइम इसको यूज़ किया, उसके बाद फिर मैं इसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ। और साइड में यहाँ पे मैंने कूलर अभी रिसेंटली कूलर यहाँ पे अपने रूम पे लाया हूँ। और यहाँ पे एक और ट्राइपॉड है, ये भी डिजिटेक का है। और इधर साइड में ये धोया हुआ कपड़ा है, इसको आयरन करना है, अभी तक मैंने आयरन नहीं करा है। और कुछ इस तरह का सेटअप है दोस्तों मेरा, ये छोटा सा रूम जहाँ पे मैं अपना पढ़ता भी हूँ और स्टूडियो का भी काम करता हूँ, यहीं पे शूटिंग करता हूँ, यहीं पे एडिटिंग करता हूँ और सारा काम यहीं पे करता हूँ। आइए मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे यूट्यूब से मैंने काफ़ी सारे चीज़ों को परचेज किया है, जैसे कि आप देखोगे 9R का फ़ोन मैंने उससे परचेज किया है, ये भी भैया के लिए मैंने एक फ़ोन परचेज किया है। यहाँ पे मेरा नॉवेल का बुक्स वगैरह आप देख सकते हो जिसको मैं रीड वगैरह करता हूँ। इधर आप ट्राइपॉड देख सकते हो, ऊपर में रिंग लाइट है, ऊपर में कैमरा है और भी काफ़ी सारा गैजेट्स है जो कि मैंने यूट्यूब के मनी से ख़रीदा है। और भी अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी चल के काफ़ी सारे चीज़ों को मैं खरीदूंगा। यहाँ पे मेरा लैपटॉप आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठ के मैं कुछ इस प्रकार का कैमरा यहाँ पे होता है और मैं यहाँ पे बैठ के अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों लैपटॉप को ऑन करते हैं क्योंकि लैपटॉप पे अभी कुछ काम है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप अभी थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है और आई थिंक ये प्रॉब्लम भी कर रहा है, जब भी मैं ये प्लग को दे रहा हूँ तो चार्जिंग वगैरह में भी इशू आ रहा है, तो इसको भी बनवाना होगा। तो फिलहाल दोस्तों ये मेरा सेटअप है और रूम को भी मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ काम करने, जो भी आज का 6 बजे जो वीडियो लाइव होने वाला है उसके लिए मैं एडिटिंग वगैरह का काम करूँगा और वीडियो एडिट करने के बाद निकलेंगे सीधा मीटिंग में। तो फाइनली दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ अपने लैपटॉप में, आप देख सकते हैं मैंने अपना लैपटॉप भी ऑन कर लिया है और
लैपटॉप में काम करने के बाद आई थिंक मेरे को 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगेंगे अपना पूरा काम करने में। उसके बाद वीडियो को मैं शेड्यूल कर दूंगा, शेड्यूल करने के बाद सीधा निकलेंगे मीटिंग में, और मीटिंग में आपको दिखाएंगे जो यूथ कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होने वाला है उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस टॉपिक पे चर्चा होगा, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। आप एंड तक बने रहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आई होप वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए ताकि आपका जो भाई है आगे बढ़े और आपके लिए कुछ अच्छा करे। और नए नए ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ और उसके बारे में थंबनेल मेरे को बनाना है, पेटीएम, HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सीधा दोस्तों मैंने अपने YouTube को ओपन किया है और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पेटीएम, HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सर्च किया है। आपको मैं चलिए जूमिंग करके दिखा दूं और यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे यहाँ पे आपके सामने यानी मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पेटीएम, HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो बनाया है। तो सिंपली मैं सर्च करके क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं थोड़े से थंबनेल का आइडिया लेता हूँ। थंबनेल हम इसको बोलते हैं जो पोस्टर आपको ऊपर में देखने को मिलता है, इसको हम थंबनेल बोलते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा थंबनेल का आइडिया ले लूंगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन का यूज करके मैं थंबनेल बनाता हूँ जिसको हम पिक्सल लैब बोलते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है अपने यूट्यूबर कैसे बने चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स, जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, वो सारा मैंने सर्च कर लिया है। ये जितने भी कीवर्ड्स है दोस्तों वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो चलिए थंबनेल बनाकर फिर आपसे मिलते हैं, वीडियो वगैरह को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा आपसे मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों काफी टाइम वेट करने के बाद जो लोकसभा सांसद से उठने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह वो आ चुके हैं और लोग उनको माला वगैरह पहनाकर सम्मानित किए और फिर अंदर हम लोग गए। अंदर जाने के बाद दोस्तों अंदर का जो माहौल था काफी ज्यादा पॉजिटिव माहौल था, क्योंकि लोग उनसे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी गेन करते हैं, उनका एक अलग ही नेचर है। और अंदर काफी सारे लोग ऑलरेडी पहले से वेट कर रहे थे और जैसे यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आते हैं उनके साथ एक और उनके कार्यरत साथ में भी थे और ये स्टेज में बैठ चुके हैं। और लोग आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, यूथ ऑलरेडी यहाँ पे थे और यूथ का ही मीटिंग था, बहुत सारे यूथ ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे और सब एक्साइटेड थे। मीटिंग का प्रोजेक्टर वगैरह स्टार्ट हो चुका था और कोई भी हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमारे यहाँ ये भारतीय संस्कृति में परंपरा होता है, पहले क्या करते हैं हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन को एक प्रतिनिधि के रूप में जीने का हम लोग का तरीका, हम लोग अपने जीवन में हम नहीं लाते थे, गॉड को मेन मान के हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में अपना जीवन जीते। और ये राजा भी ऐसे ही करते थे, जब तक राजा अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझते रहे भारतवर्ष में कोई समस्या नहीं। जिस दिन राजा अपने आप को समझने लगे उसी दिन से समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि आज भी हम लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होके भी स्लेव जैसा सोचते हैं। अब हमें हर तरह से अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करने का समय आ गया, तो फिर से मगर उनसे लेना होगा और जैसा पहले सोचते थे वैसा ही हम लोगों सोचना होगा। उनको याद करें और उनके कृपा छाया में, उनके मार्गदर्शन में प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। और जब चीजें अव्यवस्थित हो, अंधकार से घिरा हुआ हो, सो फाइनली गाइज अभी क्या है कि मीटिंग ओवर हो चुका है और आई थिंक 2 से 2.5 घंटा मीटिंग यहाँ पे चला, बहुत अच्छा लगा और कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा हुआ, इंटरेक्शन भी हम लोगों ने किया, कुछ क्वेश्चंस भी मेरे को पूछना था वो भी क्वेश्चन मैंने पूछे। और अभी क्या है कि जो डॉक्टर साहब थे वो चले गए हैं और फिलहाल मीटिंग अगर ओवर हो गया है, 4 बज रहा है करीब, अभी टाइम हो चुका है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अब सीधा निकलेंगे घर, बाइक में बगल में मेरा स्कूटी भी लगा है, तो सीधा चलिए निकलते हैं घर और मिलते हैं फिर घर पे। अब दोस्तों जब मैं घर आया तो बहुत ज़्यादा मेरे को भूख भी लगा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने झटपट खाना भी खा लिया, उसका मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। उसके बाद बेबो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल रही थी, तो मैं उसको अपनी गोद में लेकर बहुत ज़्यादा उसको चुम्मा वगैरह कर रहा था और बहुत ज़्यादा उसके साथ खेल भी रहा था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्यूट है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्माइल करके हंसती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लाडो भी एक बड़ी इसकी बहन है, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, वीडियो में हम उसको नहीं ले पाए हैं और आप देखो कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलता भी हूँ। तो शाम का टाइम था दोस्तों, तो अभय घर में आ गया था, तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हम रिलायंस का मॉल आ चुके हैं और
आप देख सकते हैं लेना वेना कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए शाम का टाइम था तो। आई होप दोस्तों आपने ब्लॉग को इंजॉय किया होगा। और जो भी मीटिंग में हम लोग गए थे, यूथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, मैंने वहां पे चीजों को ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि जो डॉक्टर अभिषेक सिंह थे उन्होंने बहुत अच्छा, जो भी उनका रोड मैप था, जो भी उनका प्लान था, बहुत अच्छा था। तो मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके सुन भी रहा था और इंटरेक्शन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं उतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। फिर भी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किसके ऊपर ब्लॉग चाहिए। एक चीज और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरा फैमिली मिलकर सोचे हैं कि ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करके एक पूरा कंप्लीट ब्लॉगिंग हम लोग करने वाले हैं। पूरा डे का हम लोग शेड्यूल आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे करके जरूर बताइए, कोई भी मैसेज करिएगा ताकि हमें पता चल पाए, हम आपके मैसेज को रीड करते हैं, आपको रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक प्यारा सा न्यू ब्लॉग पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।